नमस्कार दोस्तों। दोस्तों सर्दी जुकाम को ठीक करने का कोई सटीक उपाय नहीं है। हालांकि ये बात सही भी है कि इसका इलाज हमेशा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इलाज जुकाम से संबंधित लक्षणों के अनुसार किया जाता है। सर्दी जुकाम एक तरह का इन्फेक्शन है जो कई तरह के वायरस के कारण होता है। सर्दी जुकाम के कुछ सामान्य कारण जैसे कि सिर दर्द, नाक बहना, बलगम, तेज़ बुखार, आँखों में खुजली होना, गले में खराश, बदन दर्द वगैरह है। जरूरी है कि हम जुकाम का इलाज जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि इससे और भी कई तरह के इन्फेक्शन पैदा हो सकते हैं जैसे कि गला खराब, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया वगैरह। जुकाम के लक्षणों को ठीक करने के लिए आप कई ऐसे असरदार और प्रभावी घरेलू उपायों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं ऐसे कुछ घरेलू उपाय जिनके इस्तेमाल करने से आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। दोस्तों सबसे पहला जो घरेलू उपाय है वो है दालचीनी। आपको चाहिए आधा चम्मच दालचीनी पाउडर और एक चम्मच शहद। दालचीनी को शहद के साथ मिला लें और मिलाने के बाद इसे खा जाएं। इस प्रक्रिया को पूरे दिन में 2 बार जरूर दोहराएं। दालचीनी में एंटीवायरल और सूजन रोधी गुण होते हैं जो कि इन्फेक्शन और सर्दी जुकाम के लक्षणों का इलाज करने में मदद करते हैं। दूसरा उपाय होता है किशमिश। बचपन में अक्सर जब हमें बुखार हो जाता था तो मम्मी अक्सर हमें सिकी हुई किशमिश देती थी ताकि मुंह का स्वाद भी अच्छा हो जाए और बुखार से लड़ने के लिए शरीर को ताकत भी मिले। सर्दी के घरेलू उपाय में भी किशमिश का नाम शामिल है। ना केवल स्कूल जाने वाले बच्चों बल्कि बड़ों के लिए भी ये एक अच्छा उपाय है। प्रयोग के लिए किशमिश को तवे पर थोड़ा नमक डालकर सेकें और ठंडा होने के बाद इसका सेवन करें। इस घरेलू नुस्खे से ना केवल आपका वायरल इन्फेक्शन ठीक होगा बल्कि गले को भी आराम मिलेगा। तीसरा उपाय होता है दोस्तों गुड़। जब भी आपकी सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपकी छाती में भी कफ जमने लगता है, जिसकी वजह से आपको असहज महसूस होने लगता है। ऐसे में रात को सोने से पहले आप कुछ दिन एक गुड़ का टुकड़ा खाकर सोएं। इससे आपके शरीर का तापमान गर्म रहेगा और आप सर्दी की समस्या से राहत पाएंगे। ये प्रयोग आप केवल ठंडी के दिनों में ही करें। कई बार गर्मी में भी गले में इन्फेक्शन वगैरह होने के कारण सर्दी हो जाती है, तो तब आप ये प्रयोग ना करें। उसके बाद दोस्तों जो रामबाण उपाय है वो है तुलसी। दोस्तों यदि आप फिल्म देखने के शौकीन हैं तो आपने ये जरूर देखा होगा कि जब बारिश में कोई भीग जाता है और उसे सर्दी हो जाती है तो उसे तुलसी का काढ़ा दिया जाता है। हम आपको बता दें कि असल जिंदगी में भी ये उतना ही फायदेमंद है और इससे आप अपनी सर्दी की समस्या से निजात पा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस तुलसी की कुछ पत्तियाँ लेकर उन्हें धो लें और फिर उसे सिलबट्टे में कूटकर मैश कर लें और अब 1 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी उबालने के लिए रखें। पानी में उबाल आते ही उसमें मैश करी हुई तुलसी डालें और 3 से 4 मिनट और उबलने दें। गैस बंद कर दें और 5 मिनट के लिए मिश्रण को ऐसे ही रहने दें और फिर छान कर इस काढ़े को गर्मा गर्म सर्व करें। उसके बाद जो उपाय होता है वो है मछली का तेल। मछली के तेल के सप्लीमेंट्स को बहुत सी सूजन रोधी समस्याओं के लिए डॉक्टर द्वारा बताया जाता है और ये इसीलिए क्योंकि इस तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जिसमें कि सूजन रोधी गुण मौजूद होते हैं। मछली के तेल के सप्लीमेंट्स नाक को खोलते हैं और सूजन को दूर करते हैं और ये जुकाम से होने वाले इन्फेक्शन को खत्म करता है। उसके बाद दोस्तों जो उपाय होता है वो है आवश्यक तेल यानी कि एसेंशियल ऑयल। आपको चाहिए 4 से 5 बूंद ऑरेगैनो का तेल या पेपरमिंट तेल या नीलगिरी का तेल और 1 चम्मच नारियल का तेल। कोई भी 2 तेल को मिला लें और फिर उसे छाती, गर्दन और माथे पर लगाएं। जितना हो सके इस तेल को ऐसे ही लगा हुआ छोड़ सकते हैं। इसके अलावा आप आवश्यक तेलों का इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हैं। सबसे पहले बाथ टब या बाल्टी को गर्म पानी से भर लें और अब उसमें कुछ बूंदें आवश्यक तेलों की मिलाएं और अब या तो आप इस टब में बैठ जाएं या पानी को अपने शरीर पर डालें। आप इन तेलों की सुगंध को भी अपने कमरे में फैला सकते हैं जिससे कि आपकी नाक बंद ना हो, सभी तरह के इन्फेक्शन चले जाएं। इन तेलों का इस्तेमाल पूरे दिन में 2 बार जरूर करें। आवश्यक तेल न ही सिर्फ मसाज के लिए अच्छे होते हैं बल्कि सर्दी जुकाम के लक्षणों से भी राहत दिलाते हैं। नीलगिरी तेल बलगम को निकालता है। पेपरमिंट तेल में एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं। ऑरेगैनो तेल वायरस को खत्म करने में मदद करता है और इन तेलों की सुगंध आपकी तंत्रिकाओं को आराम देती है। साथ ही साथ दोस्तों उसके बाद जो उपाय है वो है गरारे। आपको चाहिए 1 गिलास गर्म पानी, 1 चम्मच नमक। नमक को गुनगुने पानी में मिलाएं और फिर उससे गरारे करें। पूरे दिन में गरारे 2 बार जरूर करें। गर्म पानी से गरारे करने से गले के दर्द और खराशों को कम करने में मदद मिलेगी। पानी आपके गले को हाइड्रेट करेगा और नमक जो है वो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करेगा। उसके बाद दोस्तों जो उपाय है वो है सेंधा नमक। आपको चाहिए 1 कप सेंधा नमक, 1 बाथटब और गर्म पानी।
सबसे पहले अपने बाथ टब या बाल्टी को गर्म पानी से भर दें। पानी को उतना गर्म रखें जितना आप सहन कर सकें और अब उसमें सेंधा नमक मिलाकर अच्छे से पानी को चला दें और अब इस बाथ टब में 20 मिनट के लिए बैठ जाएं या बाल्टी में अपने पैरों को डाल दें। जब तक आपको जुकाम के लक्षणों से आराम नहीं मिल जाता तब तक इसका उपयोग एक या दो दिन छोड़कर करें। बलगम को निकालने के लिए और सर्दी जुकाम की वजह से होने वाले थकान से सेंधा नमक का पानी आपको राहत दिलाने में मदद करेगा। सेंधा नमक मिलाने से आपके शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलेंगे और मांसपेशियों के दर्द को दूर करने में मदद मिलेगी। उसके बाद दोस्तों जो उपाय होता है वो होता है काढ़े का उपयोग। आपको चाहिए 2 कप पानी, 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 काली मिर्च, 5 से 6 तुलसी के पत्ते, 4 लौंग और 1 चम्मच शहद। सबसे पहले अदरक, तुलसी के पत्ते और लौंग को क्रश कर लें और अब इसमें पानी मिलाएं और इस मिश्रण को गर्म होने के लिए रख दें। इसे तब तक उबालें जब तक पानी आधा ना हो जाए और अब इस मिश्रण को छान लें और शहद मिलाकर इसे पी जाएं। पूरे दिन में इस काढ़े को 1 या 2 बार जरूर पिएं। काढ़ा आमतौर पर एक हर्बल चाय होती है जो कि ज़्यादातर लोगों के घरों में जुकाम और कफ का इलाज करने के लिए बनाया जाता है। मिश्रण में मौजूद मसाले साइनस को साफ करते और वायरस को खत्म करते हैं। उसके बाद दोस्तों जो उपाय होता है वो होता है लहसुन। आपको चाहिए 1 से 2 लहसुन की फांकें और 1 चम्मच शहद। सबसे पहले लहसुन को छील लें, फिर उसे शहद के साथ लगाकर खा जाएं। इसका इस्तेमाल हफ्ते में 2 बार जरूर करें। लहसुन जो है वो किचन में मौजूद एक आम सामग्री है जिससे कई बेहद लाभदायक गुण मौजूद होते हैं। कुछ रिसर्च के अनुसार लहसुन के इस्तेमाल से बहुत जल्द आराम मिलता है। इसमें एंटीमाइक्रोबियल और एंटीवायरल गुण भी होते हैं जो कि सर्दी जुकाम करने वाले वायरस को मारते हैं और लक्षणों से राहत दिलाने में मदद करते हैं। उसके बाद जो उपाय है वो है हल्दी दूध। आपको चाहिए 1 चम्मच हल्दी पाउडर और गर्म दूध का 1 गिलास। सबसे पहले दूध में हल्दी मिलाएं और फिर पूरे दूध को अच्छे से मिला लें। रात को सोने से पहले इस मिश्रण को पी लें। जब तक जुकाम चला नहीं जाता तब तक दूध को इसी तरह रात को सोने से पहले पिएं। हल्दी में करक्यूमिन होता है जिसमें कि एंटीबायोटिक और एंटीऑक्सीडेंट के गुण मौजूद होते हैं। गर्म दूध को हल्दी के साथ पीने से सर्दी जुकाम और कफ से राहत मिलती है। उसके बाद दोस्तों जो उपाय होता है वो है मुलैन चाय। आपको चाहिए मुलैन चाय और 1 कप पानी। मुलैन चाय बनाने के लिए मुट्ठी भर मुलैन की पत्तियों को 1 कप पानी के बर्तन में डाल दें और फिर इसे 5 से 10 मिनट के लिए उबलने को रख दें। उबलने के बाद उसे छान लें और अब उसमें शहद मिलाएं और पी जाएं। मुलैन चाय का इस्तेमाल पूरे दिन में 2 या 3 बार जरूर करें। जुकाम को ठीक करने के लिए मुलैन चाय बेहद प्रभावी उपाय है। इसमें एक्सपेक्टोरेंट गुण होते हैं जो छाती के बलगम को निकालने में मदद करते हैं और जुकाम से भी राहत दिलाते हैं। उसके बाद जो एक रामबाण उपाय है वो है काली मिर्च। आपको चाहिए 1/2 चम्मच ताज़ा काली मिर्च और गुनगुने पानी का 1 गिलास। सबसे पहले काली मिर्च पाउडर लें और फिर उसे पानी में डाल दें। डालने के बाद अच्छे से उसे चला दें और अब इस मिश्रण को पी जाएं। जब जब जरूरत हो इस मिश्रण को कुछ ही घंटों में पीते रहें। काली मिर्च का मिश्रण पीने से बलगम निकल जाएगा और छींकों को भी रोकने में मदद मिलेगी। इसकी मदद से आपके गले का दर्द और कफ से भी राहत मिलेगी। उसके बाद दोस्तों जो उपाय होता है वो है प्याज। आपको चाहिए 1 प्याज और शहद। सबसे पहले प्याज को छील लें और फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और अब उसमें शहद को डालें और अब इस मिश्रण को 1 बोतल में बंद करके रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दें। अब रोज सुबह 1 या 2 शहद से मिश्रित प्याज के टुकड़े खाएं। पूरे दिन में 1-2 शहद से मिश्रित प्याज के टुकड़े खाएं। प्याज में सूजन रोधी एंटीमाइक्रोबियल और एक्सपेक्टोरेंट गुण होते हैं और इसकी मदद से आपकी छाती में जमा बलगम निकलने में मदद मिलती है। वायरस से होने वाले सर्दी जुकाम को भी खत्म करता है। उसके बाद दोस्तों जो उपाय है वो है चिकन सूप। चिकन सूप में बेहद आवश्यक पोषक तत्व और विटामिन होते हैं जो सर्दी जुकाम के लक्षणों का इलाज करने में मदद करते हैं। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण बहुत तेजी से इलाज करते हैं। इसके साथ ही ये प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और शरीर को ऊर्जा देता है। अच्छा परिणाम पाने के लिए आप घर पर चिकन सूप बना सकते हैं और अगर आप चिकन नहीं खाते तो सब्जियों से बना सूप भी पी सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो उपाय होता है वो है अदरक और शहद। आपको चाहिए 1 लंबा अदरक का टुकड़ा, 1 कप गर्म पानी और 1 चम्मच शहद। सबसे पहले अदरक के टुकड़े को क्रश कर लें और फिर उसे कुछ मिनट के लिए गर्म पानी में डाल दें और अब पानी को छान लें और फिर उसमें शहद को अच्छे से मिला लें। अच्छे से मिलाने के बाद मिश्रण को पी जाएं और आप अदरक के पेस्ट या कटे हुए अदरक को सूप में डालकर भी पी सकते हैं। एक दिन में 2 से 3 कप अदरक की चाय पिएं। अदरक जुकाम का रामबाण इलाज है और ये सर्दी जुकाम के लक्षणों से जल्द राहत दिलाने में मदद करती है। अदरक ठंड को दूर करती है और शरीर को गर्म करती है और इसकी सुगंध आपकी नाक को खोलती है और इसके अलावा
अदरक सूजन रोधी गुणों के लिए भी जानी जाती है और इसका प्राकृतिक तेज प्रभाव बंद नाक के बलगम को साफ करता है। उसके बाद उपाय होता है मसालेदार चाय। आपको चाहिए 1/4 कप धनिए के बीज, आधा चम्मच जीरा और सौंफ के बीज, 1/4 चम्मच मेथी के बीज, 1 कप पानी, 1.5 चम्मच मिश्री और 2 चम्मच दूध। सबसे पहले धनिए के बीज, जीरा और सौंफ के बीज और मेथी के बीज को भून लें और फिर उसे मिक्सर में मिक्स कर लें। और अब एक कप गर्म पानी करें। अब उसमें 1.5 चम्मच मिक्स किए हुए पाउडर को डालें और मिश्री को मिला लें। फिर इस मिश्रण को 3 से 4 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ दें और फिर इसी मिश्रण में 2 चम्मच दूध मिलाएं और फिर से इस मिश्रण को उबलने के लिए छोड़ दें। उबलने के बाद मिश्रण को छान लें और अब इस मिश्रण को गरम गरम आराम से पी जाएं। जब तक जुकाम के लक्षण नहीं चले जाते तब तक इस मसालेदार चाय को रोज़ाना पिएं। मसालेदार चाय जो है एक बेहतरीन आयुर्वेदिक उपाय है जो सर्दी जुकाम को दूर करने में मदद करता है। उसके बाद दोस्तों जो उपाय है वो है शहद। आपको चाहिए सिर्फ 1 चम्मच शहद। आप सिर्फ 1 चम्मच शहद खा सकते हैं या 1 गिलास गर्म दूध में मिलाकर रात को सोने से पहले भी पी सकते हैं। शहद का इस्तेमाल 1 दिन में 2 बार जरूर करें। शहद में एंटीवायरल गुण मौजूद होते हैं और ये जुकाम और खराशों का इलाज करने के लिए बेहद प्रभावी उपाय है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण प्रतिरोधक क्षमता को वायरस से लड़ने में मदद करते हैं या सर्दी जुकाम करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। अच्छा परिणाम पाने के लिए आप कच्चा या ऑर्गेनिक शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।